सेगांव में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की गई, जिसमें महालक्ष्मी टाउनशिप का अतिक्रमण हटाया गया है। प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान ने चलाया बुलडोजर, ऑफिस और अन्य निर्माण कार्यों को तोड़ा गया है। एक सप्ताह पूर्व खरगोन SDM ने अवैध कॉलोनी करार देते हुए मालिक के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक पटवारी और पुलिस अमला मौजूद था। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। अतिक्रमण क्यों तोड़ा गया? ये प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जा रही है अवैध कॉलोनियों के संबंध में। तो ये जो कॉलोनी है सेगांव में अवैध पाई गई है, उस इस आधार पर इसमें अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रभारी तहसीलदार सेगांव वंदना चौहान। सर, कलेक्टर महोदय के निर्देश पे FIR वाली कार्रवाई करने जा रहे हैं क्या? हाँ, सेगांव में श्याम सुंदर बाबूलाल महाजन द्वारा खसा नंबर 610 में बगैर अनुमति के कॉलोनी काटी थी, उसकी विधिवत जांच की गई और महालक्ष्मी टाउनशिप नाम से इन्होंने कॉलोनी बनाई है, इसलिए इनके खिलाफ विधि से कार्रवाई की जा रही है और FIR करने के लिए CO को सचिव को निर्देश दिए। तो और भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, अभी इसका भी इस गए एक माह में 4 के खिलाफ कार्रवाई की भी, लगातार कार्रवाई चल रही है जिन लोगों ने बगैर अनुमति से कॉलोनियों का निर्माण किया है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।